स्वास्थ्य केंद्र पर शराब पार्टी देने के मामले में चौकीदार की सेवा समाप्त, फार्मासिस्ट और चिकित्सक हटाए गए। सूर्यावा सीएचसी के करियाव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर रात में जाम छलकाना भारी पड़ गया। डीएम विशाल सिंह के निर्देश पर सीएमओ ने फार्मासिस्ट और चिकित्सक को वहां से हटा दिया है, जबकि चौकीदार की सेवा समाप्त कर दी गई है। फार्मासिस्ट की एक वेतन वृद्धि को भी रोका गया है। फार्मासिस्ट को चकटोडर पीएचसी और चिकित्सक को सिमराज पीएचसी भेजा गया, जबकि दोनों स्थानों से फार्मासिस्ट और चिकित्सक को करियाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार चौकीदार का जन्मदिन होने के कारण उसने पीएचसी पर सबको पार्टी दी थी। बृहस्पतिवार की शाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करियाओं के स्वास्थ्य कर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। इसमें फार्मासिस्ट, चिकित्सक, चौकीदार के साथ ही ग्रामीण शराब पीते दिखे। वीडियो वायरल हुआ तो स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। प्रकरण संज्ञान में आने के बाद सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक ने जिलाधिकारी विशाल सिंह को मामले से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो में एक फार्मासिस्ट और चौकीदार के साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं। मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। शनिवार को नामित अफसरों ने जाँच रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पाया गया कि 27 अगस्त को चौकीदार विनय कुमार ने अपने जन्मदिन पर अस्पताल परिसर में पार्टी रखी थी। उस पार्टी में सभी लोग शामिल हुए। पूरे प्रकरण में वह दोषी पाया गया। इसी आधार पर उसकी सेवा समाप्त करते हुए संबंधित फर्म को पत्र लिखा गया। इसके अलावा पीएचसी करियाओं के फार्मासिस्ट पंकज कुमार पटेल को चकटोडर पीएचसी भेजते हुए एक वेतन वृद्धि को रोक दिया गया। चकटोडर पीएचसी पर तैनात अनिल राजपूत को करियाओं भेज दिया गया। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रिय रंजन तिवारी को सेमराध, जबकि वहाँ के डॉक्टर डी के वर्मा को करियाओं भेजा गया। सीएमओ ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों पर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद भदोही से आकाश भूमि समाचार पत्र के लिए एडिटर इन चीफ सुरेश मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।